गोरखपुर जिले में तीसरे चरण के तीसरे चक्र में बृहस्पतिवार को आम जन में टीकाकरण का खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान 4 फरवरी को अपना पहला डोज का टीका लगवा चुके लोगों ने अपना दूसरा बूस्टर डोज भी लगवाया। 113.5% लोगों ने टीकाकरण करवाया। 32 बूथों पर कुल 3200 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 3632 लोगों ने विभिन्न बूथों पर पहुंचकर टीकाकरण करवाया, जिसमें 1060 लोगों ने फर्स्ट डोज का टीका लगवाया, वहीं 2572 लोगों ने सेकेंड डोज का अपना टीका लगवाया। पंजीकरण के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर सुविधा दी गई थी। इस दौरान बिना पंजीकरण कराए पहुंचे लोगों ने भी अपना आधार कार्ड देकर तत्काल पंजीकरण कराया और उनका टीका लगाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। आज हमारे सभी CSE PSCs पर और अर्बन PSC जितनी हैं उन पर और हमारे जिला अस्पताल पुरुष और महिला और बीआरडी मेडिकल कॉलेज और 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीकाकरण सब चल रहा है। सर, जिस प्राइवेट अस्पताल में टीकाकरण हो रहा है वहाँ पैसा लिया जा रहा है निःशुल्क? जी, वहाँ पैसा लिया जा रहा है, 250 रुपये प्रति वैक्सीनेशन पैसा लिया जा रहा है, जिसमें कि उन्होंने पहले से ही हमको हमारे अकाउंट में भारत सरकार के अकाउंट में 150 रुपये के हिसाब से प्रति डोज के हिसाब से पैसा जमा कर रखा है और उसके अनुरूप हमने वैक्सीन दे रखी है और उसका टीकाकरण हम कर रहे हैं। सर, जिन लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में अपना पहला डोज लगवाया था, अगर वो अपने उसी प्राइवेट अस्पताल में दूसरा डोज लगवाने जा रहे हैं तो क्या उनको भी ये पैसा पे करना होगा? हाँ, हमने सबको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जिन लोगों ने पहला डोज इन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाया था और उनके दूसरे डोज की बारी आ गई है तो वो चाहे तो पैसा दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल लगवा लें, अन्यथा हमारे जिले अस्पताल में और हमारे जितने भी CSE PSCs हैं जिसमें फ्री में लग रहा है सरकार में, वहाँ आके लगवा लीजिए। सर, कितने लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य? लक्ष्य तो इस तरह से कोई निर्धारित नहीं, यानी प्रति जगह 100 लोगों का लक्ष्य है और काफ़ी लोग उत्साहित हैं, लोग आ रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो लोगों को हम कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े मात्रा में आएँ जिससे कि ज़्यादा भीड़ ना हो, सबको टीका लगना है, एकाएक भीड़ ना बढ़ाएँ और हम टीकाकरण सबको होना है, सब समय समय से आएँ और लगवाते रहें। सर, आज केवल सेकेंड डोज का टीकाकरण हो रहा है या प्रथम चरण का टीकाकरण? नहीं, सेकेंड डोज का टीकाकरण हो रहा है, प्रथम चरण के भी टीकाकरण हो रहे हैं, इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स भी है, बहुत सारे मात्रा में पुलिस विभाग और ये होमगार्ड विभाग आ गए हैं और काफ़ी बल्क मात्रा में आ गए, तो उनको हमने सलाह दिया है कि वो थोड़े थोड़े मात्रा में आएँ जिससे कि आम पब्लिक के साथ में उनका भी टीकाकरण हो सके
और कहीं भीड़ ना हो और किसी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे भीड़ में, चूँकि कोरोना से बचना भी है तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो थोड़े लोग आए जिससे टीकाकरण लगातार चलता रहेगा। क्योंकि हमारे जिला अस्पताल महिला पुरुष और मेडिकल कॉलेज में 6 दिन लगातार टीकाकरण हो रहा है और हमारे CSC PSC पर 3 दिन लगातार टीकाकरण होता रहेगा, मंगल सोमवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार। और प्राइवेट हॉस्पिटल अभी कमी हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर टीकाकरण होगा और सभी को टीका लगेगा, तो थोड़ा समय से इंतज़ार करके टीका लगवाएं।